मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद। बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर। 324 वाले को ले आओ। ओके सर। ए, चलो, साहब ने तुमको बुलाया। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं। बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है, कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मौकिल की भड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान। एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी। तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है। वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो, तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक दो राय बहादुर, फेंक दो अपने बेटे को। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो, तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को। इस पे भी तो दाग लग गया है। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं उसी रुमाल से आप अपने मौकिल की गंदगी साफ करते हैं। बड़े मलिक, चाय। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं। तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? I'm sorry, Dad. Sorry? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी ही फड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को, यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी। गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई। इस गलती की सजा जानती हो तुम? 7 साल इसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसकी आंखों की चमक और इसकी गालों की लाली बुढ़ापे के अंधेरे में बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबूजी, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो। मतलब हैसियत ही क्या है उस लड़की की? कौन है वो? गरीब, बेबस, बेसहारा। ऐसे लोग गला फाड़ फाड़ कर अगर सच भी बोले तो दुनिया उसे झूठ ही मानती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा बात उसकी मानते हैं जिसके पास दौलत है। मगर ये काम आसान नहीं है बहू। FIR दर्ज हो चुकी है और दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं है। वो एक जिद्दी इंसान है जिसे ईमानदारी की बीमारी है। वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो फिर चोट वहां कीजिए बाबूजी जहां दीवार कमजोर हो। ज्ञानी करतार सिंह एक मामूली गैराज का मालिक है। उसकी जिंदगी गुजरी है टूटी फूटी कारों के बीच में। चमकती कार में सवार होकर जाइए और उसके कालिख लगे हाथों पर चंद चांदी के सिक्के रख दीजिए।
दो मिनट में उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। चलो तो फिर ये भी आजमा के देख लेते। यानी जी इंसान गलतियों का पुतला है, गलती ना करे तो वो भगवान बन जाए। एक गलती मेरे बेटे से हुई है और वो भी जवानी के जोश में। जवानी के जोश में हुई हो या दौलत के नशे में, गलती तो गलती होती है और हर गलती की एक सजा है जो इस मुल्क का कानून अदालत में सुनाता है। तो खानदानों की बातें अदालत तक जाएं, हमारी और आपकी पगड़ी बाजार में उछाली जाए। हमारी पगड़ी तो आपके बेटे ने उछाल दी, अब आपकी पगड़ी की बारी है। बरसों से मैं आपको जानता हूं, इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं, इसीलिए आप औरों को अपना लेते हैं। ये लड़की भी आपकी नहीं, अनाथ है। धर्म, जात, खानदान, किसी का भी तो कोई पता नहीं। मैं चाहता हूं कि अदालत और कानून के दांव पेच में ना उलझकर हम कोई सीधा सा रास्ता अपना लें तो। जो रास्ता सोच के आए हो राय बहादुर, वो भी बोल दो। ये 2 लाख रुपए हैं। उस लड़की ने इतनी बड़ी रकम देखना तो दूर, सोचा भी नहीं होगा। ये आप उसे दे दीजिए, वो इस शहर से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। राय बहादुर, सुझाव तुम्हारा बहुत अच्छा है। जरा एक मिनट यहीं ठहरना, जाना नहीं। एक मिनट हाँ। आपने मेरी बेटी की इज्जत की कीमत बहुत कम लगाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये 2 लाख नहीं 4 लाख रुपए हैं। अपने कार की बहू को रात को मेरे साथ सुला दो। ये यकीन मानिए, मैं मुकदमा भी वापस ले लूंगा। बाकी की जिंदगी आपकी बहू इस शहर से कहीं दूर जाके बिता सकती है, बड़ी खुश हो जाएगी। तुम उस मामूली लड़की का मुकाबला मेरी बहू से कर रहे हो? चुप है, वरना इस कार से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। वो दौलत का जिन्ना जोर लगाना लगा ले, जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तेरे बेटे को, तो मेरा नाम सरदार करतार सिंह नहीं, पट्टे चक देना तुहाडे सब दे। राय साहब, हिंदुस्तान की अदालतों में मुझे ज्ञान प्रकाश नहीं, माइक टाइसन के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में उतर के खूंसों की बौछार कर देता है, उसी तरह मैं अदालत में गंदे और अश्लील सवालों की बारिश कर देता हूं। आपके बेटे ने तो उसके कपड़े उतारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं उसे अपने सवालों से नंगा करूंगा। रेप क्या है उसका मतलब मैं समझाऊंगा उसे। अदालत में जब बलात्कार का मुकदमा चलता है तो ऐसा लगता है कि अदालत नहीं, जिस्म बेचने का बाजार है, जहां औरत के जिस्म के हर उस हिस्से की बात होती है जिसे भगवान ने शर्म की मिट्टी से संवारा है। माला, तुम सुन रही हो ना? आप बोलते जाइए। जानती हो कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? जब तुम्हारा बलात्कार हो रहा था तो तुम्हारी साड़ी कहां थी, जांघों के ऊपर या जांघों के नीचे? ब्लाउज कहां था, बदन पे था या उतार लिया गया था? रेप करने वाले के हाथ तुम्हारी जांघों पर थे या तुम्हारे स्तन पर? चुप कर वकीला, चुप कर। अगर मेरी बेटी से ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे तो नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। लेकिन मुझे चाहिए इंसाफ। क्या पूछेगा वो वकील? यही ना कि उस लड़के का हाथ कहाँ था, जांघों पर या छाती पर? छाती क्या होती है वो मैं उसे बताऊंगी। ये है छाती, जिसका दूध पीकर हर मर्द की छाती चौड़ी होती है, इसे कहते हैं स्तन।
अगर अपनी माँ का दूध पीते वक्त ठीक से ना देख सका हो तो मैं उसे दिखाती हूँ। मैं औरत हूँ और मुझे फक्र है कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता। अपने जिस्म में एक नए इंसान को जन्म दे सकती हूँ, अपनी छाती का दूध पिलाकर उसे बड़ा कर सकती हूँ, जो आगे चलकर राम या रहीम बनेगा। शाबाश माला, शाबाश। अगर हिंदुस्तान की हर औरत तुम्हारी तरह बेखौफ हो जाए तो इस समाज में औरत को वही दर्जा मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। शाबाश। प्रताप। अरे डैडी, आप अंदर आइए ना। नहीं, यही ठीक है। हमारे दामाद होकर भी तुम हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हो। मैं आपके खिलाफ नहीं, जुर्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। तुम जानते हो हमारा वकील कौन है? जानता हूं, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, जो आज तक कोई भी मुकदमा नहीं हारा, लेकिन इस बार वो हारेगा। क्या सुधा को मालूम है कि तुम हमारे खिलाफ? डैडी, मुझे सिर्फ मालूम ही नहीं है बल्कि मैंने खुद इनसे कहा था कि माला का मुकदमा ये लड़े। सुधा, तुमने? डैडी, राज के जुर्म को छुपाइए मत, वरना एक दिन मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। तो फिर आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आज इस अदालत में एक बलात्कार का मुकदमा आया है। बलात्कार यानी कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत को लूटना। मेरी राय में ऐसे अपराधी को गोली मार देनी चाहिए। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ हमबिस्तर होती है और उसके बाद अपने कपड़े खुद ही फाड़ती है, अपने बाल बिखेरती है और अपने ही नाखूनों से अपने बदन पे निशान लगाकर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मेरा बलात्कार हो गया, तो क्या अदालत मान लेगी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर ज्ञान प्रकाश एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं। झूठी रिपोर्ट को झूठा कहना गलत नहीं है वकील साहब। रिपोर्ट लिखी किस पुलिस अफसर ने थी? माय लॉर्ड, उस पुलिस अफसर ने जो सरदार करतार सिंह के कर्ज तले दबा है और बचपन में एक चोर था। इंस्पेक्टर खान, क्या ये सच है? माय लॉर्ड, दरअसल आप सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। ये सच है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जिस इमारत की नींव ही खोखली हो उस इमारत का अंजाम क्या होगा? आगाज हुआ ही नहीं और आप अंजाम तक पहुंच गए वकील साहब। इस हादसे के चश्मदीद गवाह हैं योर ऑनर, 40 मासूम छोटे छोटे बच्चे जिन्हें ना ही आपकी बुलंद आवाज का खौफ है और ना ही किसी अंजाम की परवाह। आप फिक्र मत कीजिए वकील साहब, धीरे धीरे सबको बुलाऊंगा इस कटहरे में। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस माला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मिस माला, आपका यह कहना है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर राज ने आपके साथ बलात्कार किया, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अपनी मर्जी से उनके साथ हमबिस्तर हुई और उसके बाद उन्हें बदनाम करने के लिए आपने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती आपकी। ऐसा धंधा आपके खानदान की लड़कियां करती होंगी, मैं नहीं करती। यू ब्लडी, खबरदार जो एक भी लफ्ज गलत बोला तो। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी लड़की से ऐसी बात कहते हुए? मिस माला, ये मंदिर नहीं जहां प्रवचन किया जाए, ये अदालत है जिसमें एक मासूम की जिंदगी का फैसला होने वाला है। जिसने मेरी जिंदगी को गाली बना दिया वो आपको मासूम लग रहा है इसलिए कि उसने आपके जेब में हरे हरे नोट भर दिए? अगर नोटों के लिए ऐसे ही अपने जमीर को बेचते रहे तो एक दिन इसी कटहरे में मेरी जगह आपकी बेटी खड़ी होगी, जो ऐसे किसी रईस के बेटे की हवस की शिकार हुई होगी। उस दिन न तो ये नोट आपके काम आएंगे और न ही आपकी आवाज गले से बाहर निकलेगी। गुनेगार को सजा दिलवाने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुम जैसे वकीलों को तो जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी। ऑर्डर, ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं? क्या आप सबका जमीर मर गया है? ये वही हिंदुस्तान है जहाँ औरतों को पूजा जाता था,
कभी सीता के रूप में तो कभी सावित्री के रूप में, और आज उसी देश में अगर औरत को एक बार नंगा किया गया तो उसकी इज्जत को ढाका नहीं गया बल्कि बार बार नंगा किया गया, कभी प्रेस वालों ने तो कभी टीवी वालों ने, और अब ये वकील साफ कर रहे हैं और आप चश्मा साफ कर करके देख रहे हैं। अरे समाज के ठेकेदारों, क्या भूल गए तुम लोग? द्रौपदी को भी एक बार नंगा किया गया था, कौरवों का पूरा खानदान मिट गया था, आज उनके खानदान का एक भी वारिस नहीं बचा। वकील साहब यही पूछना चाहते थे ना कि बलात्कार के वक्त वो मेरे ऊपर था या नीचे, उसके हाथ कहाँ थे, मेरे स्तन पर या मेरी जांघों पर? बंद कर दीजिए तमाशा, अपनी घर की बहू बेटियों को बेइज्जत करने का ये ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की औरत शर्म की दहलीज पार कर जाए। इस अदालत में कल जो मुकदमा आएगा वो ये नहीं होगा कि एक लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया, बल्कि ये होगा कि एक लड़की ने एक लड़के का बलात्कार किया। सिर झुकाए ये खड़ा होगा, ये मैं नहीं। Order, order. The court is adjourned. ये लड़की है या किसी देवी का अवतार? अरे पिछले 30 साल में मैंने बड़े से बड़े धुरंधर वकीलों को अदालत की धूल चटवा दी, लेकिन इसने, अरे इसने मुझ जैसे पहाड़ को अपने पैरों तले रौंद के रख दिया। मगर आप तो अपने आप को माइक टाइसन कहते थे। माइक टाइसन को भी कोई मर्द नहीं पछाड़ पाया था। अरे उसे भी पछाड़ा तो एक मामूली सी लड़की ने। मगर अब हम क्या करें ये तो बताइए। इससे पहले कि कल सुबह जज अपनी कुर्सी पर बैठे, माला को इस दुनिया से उठवा दीजिए।